हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडअप। आपका स्वागत है स्पीडअप में। तो हम लोग आरआरबी जेई और यूपी SSC जेई मैकेनिकल का सिलेबस शुरू कर चुके हैं। दो क्लास हो चुकी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखिए, फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो काफी सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया है कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और आप इंग्लिश में सर लिख रहे हैं, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा अभी। तो पहली चीज है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्टली हम अपना टॉपिक खत्म कर लें। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी प्रीवियस ईयर की एनालिसिस है उससे कंपेयर करा के कराएंगे कि पहले क्या आया और आने वाले टाइम में क्या सवाल आएंगे आपके। दूसरी चीज, आप लोग बोले कि सर सारा सिलेबस खत्म कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो जाए, फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करेंगे, तब उसके बाद और सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और विश्वास रखिए हम पे, स्पीडअप पे पूरा भरोसा रखिए कि आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिनिश होंगे। तीसरी बात, लोग आप लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हिंदी में मैं सारी चीजों को डिक्टेट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजों को लिखूंगा और मैं फिर रब करूंगा तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कहीं भी टाइम खराब हो। एक चीज और बोल रहे थे लोग कि सर वीडियो बहुत छोटा बना रहे हैं। आप लोगों को पता हो तो मैं पहले से ही वीडियो बोर्ड पे लिख के रखता हूँ ताकि चीजों को मुझे लिखना ना पड़े और जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट मिल पाए, ना कि क्वांटिटी कंटेंट मिल पाए। तो जैसे और लोग बनाते हैं वीडियो, वो लोग बातें करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, तो मैं वो चीज नहीं चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैं गप्पे मारने नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ, आपका सिलेक्शन दिलवाने आया हूँ। आरआरबी जेई इस बार आपका होना है, यूपी SSC जेई आपका होना है। तो विश्वास मानिए आप लोग, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है आपका, और यहाँ पे कोई भी आपको फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। और अगर इसको लग रहा है कि वीडियो का क्वालिटी कम है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग चाहें तो फिर मैं यहीं पे आपकी वीडियो लिखना शुरू कर दूं, यहीं पे फिर आपसे बातें करता रहूं तब तक। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके। आप लोग वीडियो पॉज करते रहिए, वीडियो पॉज करने के बाद जो चीजें लिख चुका हूं मैं उनको आप लिखते रहिए। ओके दोस्तों, बाकी आपकी जो भी और सारी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, हर बात का एनालिसिस करते हैं और सुनते हैं कि उसका हम कैसे उसका हम रिप्लाई कर सकें और कैसे उन चीजों को हम लोग अपनी स्पीडअप एकेडमी में, स्पीडअप एजुकेशन में लागू कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी वेलकम आपका वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक यूपी SSC में फोर्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, यूनिट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, एंड हमने कल फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन का नाम आती है, आप लोगों को पता है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बॉडी इन मोशन, ऑब्वियस ही बात है, एंड इट्स इफेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम लोग अगर इस बात को ध्यान से सोचें कि आखिर मोशन है क्या, क्यों आता है मोशन, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू थिंग टू बॉडी इन अ मोशन, वो सारी चीजें कौन सी हैं जो किसी भी वस्तु को एक गतिज अवस्था में लाती हैं, इन सब चीजों की जानने की कभी कोशिश की आपने। अगर जानने बैठे के सोचेंगे यार ये कितना कंफ्यूजिंग है, ये सारी चीजें आखिर आई कहां से हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, तो मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, हल्का फोर्स लगाने में क्या होगा, बॉडी मूव करती रहेगी आपकी, तो ये बॉडी मूव करती रही, ठीक है, तो कुछ समय बाद ये रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद रुक जाएगी। अगर आप लोग देखें कि अगर हमने कोई एक बॉल फेंकी ऊपर से, यहां से एक बॉल फेंकी हमने, वो क्या जाएगी, नीचे जमीन की तरफ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्यों जा रही है जमीन की तरफ, कहीं और क्यों नहीं जा रही है, हवा में क्यों नहीं जा रही है, ये उस तरफ क्यों नहीं भाग जा रही है। अगर आपने कभी देखा होगा कि अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून अराउंड कर रहा है, भाई मून अर्थ के अराउंड क्यों अराउंड कर रहा है, कहीं और क्यों अराउंड कर रहा है, तो क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है कि मून इस अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है। What are the things which are responsible for moon to rotate about earth? जैसे अगर आप लोगों को देखा होगा, ये सपोज एक लड़का है, आप लोग भी खेलते कूदते होंगे खूब सारा, तो इफ
फुटबॉल है तो फुटबॉल को उसने किक मारी, फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल कुछ ऐसे ऐसे मोशन किया, ठीक है। तो फुटबॉल ने ऐसे मोशन क्यों किया, फुटबॉल ने ऐसे मोशन क्यों किया, इस तरह का भी मोशन होता है, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे नियम है, कुछ ही मुट्ठी भर ऐसे नियम है जो इन सब चीजों के बारे में है, जो इन सब चीजों को बताते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द थिंग्स विच कॉज द मोशन। समझ में आ रही बात आप लोगों के? तो हम लोग वही चीजों को जानने की आखिर ये मोशन है क्या, इन मोशन के पीछे कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीजें वो कारण है जो इन मोशन को गवर्न कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए एक चीज और देखते हैं हम लोग। जैसे अभी तक हम लोगों के दिमाग में गलत अवधारणा रहती है, क्या रहती है कि सपोज कोई बॉडी आपकी स्थिर अवस्था में है, अगर इस पे हम एक कोई बल लगाते हैं, इफ अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ फ्लैट प्लेट देन वी पुट अ फोर्स, तो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव फॉरवर्ड ऑब्वियस, इफ वी विल पुश इट विल गो बैकवर्ड, राइट। यानी कि अगर कोई बल लगा इस पर तो क्या होगा, या तो ये आगे जाएगी या उस तरफ से बल लगा दे तो पीछे जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुश और पुल रिक्वायर्ड टू मूव, यानी कि अगर किसी वस्तु को हमें मोशन में लाना है, गतिज अवस्था में लाना है, तो उसको या तो पुश करें या पुल करें। इतनी बात तो समझ में आ रही है? नहीं आई तो चलो एक चीज और सोचते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर अगर धुआं आ रहा है एक बात दिमाग में जरूर खनक जाती है कि अगर कहीं धुआं है तो आग है, अगर कहीं धुआं है तो आग है, बिल्कुल सही बात। और अगर कहीं वेलोसिटी है तो ऑब्वियस इसके पीछे क्या होगा, फोर्स होगा, क्योंकि अगर भी आपने भी पढ़ा है कि फोर्स और पुल रिक्वायर्ड टू मूव, कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो ऑब्वियस देयर इज अ फोर्स बिहाइंड इट। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों में? तो ये हम लोग के दिमाग में बहुत सालों से, कई सारे सालों से अवधारणा गलत सी पाल रखी थी हम लोगों ने कि अगर कहीं आगे, अगर कहीं धुआं है तो वहां आगे, अगर कहीं वेलोसिटी है गति है तो वहां बल है या फोर्स है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही गलत थी। गैलीलियो ने इन सब चीजों को काफी एनालिसिस किया था, और इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद न्यूटन ने इन पे कुछ अपने नियम दिए थे। अगर न्यूटन साहब इन सब चीजों की एनालिसिस नहीं कर पाते तो हम लोगों को शायद और 50-60 साल या 100 साल लग जाते हैं इन चीजों को एनालिसिस करने में और बताने में कि व्हाट आर द थिंग्स, वो मुट्ठी भर कौन से नियम है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गवर्न कर रहे हैं इन सब चीजों को, इन सब मोशन को, राइट। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो एक काम कीजिए, आप लोग लिख लीजिए इस चीज को, तब तक मैं 2 मिनट के लिए इधर हो जाता हूं। लिख लिया आप लोगों ने? तो आगे बात करते हैं हम लोगों ने भी देखा कि अगर कहीं आग है तो कहीं, अगर कहीं धुआं है तो वहां पे आग जरूर है, और अगर कोई पार्टिकल या आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है उसके पास तो कहीं ना कहीं फोर्स है। ये बात समझ में आई? तो ये अभी तक हम लोगों के दिमाग में रॉन्ग क्लू था। जब गैलीलियो ने इस चीज की खोज की है तो न्यूटन ने उसके बाद राइट क्लू बताया कि आखिर क्या चीज है। मतलब अगर कहीं आग है तो धुआं है, अगर कहीं धुआं है तो आग है, और कहीं वेलोसिटी है तो फोर्स है। मतलब क्या कंफ्यूजन, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हम लोग तो खाली बस ही बैठे रहते हैं, अभी नौकरी तो लग नहीं रही है, गवर्नमेंट ने नौकरी निकाली है, जब तक आरआरबी में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, UP SSSC में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक क्या होगा, एक बच्चा गया पहाड़ में जाके बैठेगा, तो पहाड़ में जाके बैठ गया, उसको कोई कुछ काम तो था नहीं, उसने क्या किया वहां पे पत्थर उठाया, और पत्थर उठाने के बाद फेंकना शुरू किया उसने ऐसे, उसने एक पत्थर उठाया कुछ दूर जाके गिरा, मजा नहीं आया, फिर उसने एक पत्थर उठाया वो कुछ दूर जाके गिरा, फिर मजा नहीं आया उसे। तो अगर सपोज हमारी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट अर्थ है या सरफेस है, तब तो क्या होगा, वो पत्थर आपका ऐसे ही ना गिरता रहेगा, लेकिन हमारी अर्थ तो फ्लैट है नहीं, हमारी अर्थ क्या है, राउंड है, ओवल शेप में, अंडाकार है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि उस बच्चे ने क्या किया, पहले पत्थर फेंका, ठीक है, फिर दूसरा फेंका, फिर वो कुछ दूर जाके गिरा, उसने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि पत्थर फेंके और ये हमेशा घूमता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 8000 मीटर अगर आप आगे चलोगे तो 5 मीटर अर्थ आपकी कर्व है,
बात समझ में आ रही है आपकी कि 8000 मीटर अगर आप आगे चलोगे 5 मीटर आपकी अर्थ कैसी है, कर्व है। तो उस उद्दंड बच्चे ने क्या किया, इस बार पत्थर इतनी तेजी से फेंका, इतनी तेजी से फेंका कि वो 8000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर गया और 8000 डिस्टेंस उसने कवर कर ली। जो ही उसने 8000 डिस्टेंस कवर की, अब क्या हुआ, पत्थर फिर से 5 मीटर नीचे, ठीक है, तो फिर से वो क्या हुआ, ऐसे करके पत्थर वो घूमता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे यहां पे देखो, यहां पे उसने एक पत्थर फेंका यहां रहा, एक पत्थर फेंका फिर उसने ये रहा यहां पे रहा, फिर उसने इतनी तेजी से पत्थर फेंका कि वो 8000 मीटर को पार किया और 5 मीटर फिर अंदर चला गया। तो ऐसे करते क्या होगा, जो ही 8000 मीटर फिर पार करेगा 5 मीटर फिर जाएगा, जो ही 8000 मीटर फिर पार करेगा तो ही वो 5 मीटर फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका पत्थर एक वक्राकार पाथवे या राउंड घूमता रहेगा, इस अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। इतनी बात समझ आ रही है, सेम अगर नहीं आ रही बात समझ लो, समझ लो कि चांद आपका, चंद्रमा है एक आपका सैटेलाइट है अर्थ का, तो वो क्या करता है, वो भी अर्थ के अराउंड फिक्स पाथ में ऑर्बिट करता रहता है कि नहीं करता रहता है, करता रहता है। तो ये चीज आपकी कहलाती है न्यूटन माउंटेन, क्या कहलाती है आपकी, न्यूटन माउंटेन। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है इस पे, नहीं लग रहा है, अभी कोई फोर्स नहीं है ना, यानी कि जो चीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस पत्थर को घुमाने में रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली वो ही चीज चांद के और आसमान, चांद और अर्थ के बीच में भी रिस्पॉन्सिबल है, चांद को अर्थ के अराउंड घुमाने में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि न्यूटन ने उस टाइम पे जमीन और आसमान के बीच का गैप खत्म कर दिया था। समझ आ रही है आपके बात, कि अगर कुछ ऐसे नियम है जिनको अगर हम जान लें तो सेम चीज आपको जमीन आसमान जितने भी आपके स्टार्स हैं, प्लेन्स, ग्रह हैं, जितने आपके स्टार्स हैं, उन सबके बीच की आपकी डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी आपको, वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी आपको, एंड बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन अगर न्यूटन ने अगर ये रिसर्च नहीं की होती, चीज नहीं मालूम की होती, तो शायद आज हम लोगों को नहीं पता होता, शायद कोई और साइंटिस्ट उसके बारे में बताता कि वॉट आर द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मोशन। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सपोज एक आपको कोई रफ सरफेस है, एक बॉडी उस पर रेस्ट कर रही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट करी तो ऑब्वियस सी बात है वो रेस्ट ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। एक बात तो आप जानते ही हैं भाई, अगर कोई जाके इस पर फोर्स लगा रहा है इसमें तो क्या होगा, कुछ दूर जाएगी, उससे कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि भाई फ्रिक्शनल फोर्स है, आपके बॉडी भी रफ होगी, आपका फ्लैट भी आपका रफ है, तो कुछ दूर जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है बॉडी रुक जाएगी। सपोज आपने कुछ और तेजी से उसको पुश किया, तब क्या होगा, कुछ दूर और चलेगी फिर जाके रुक जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हैं जो उसकी गति को रोकने का काम कर रहे हैं, जो उसको रोक रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके इफेक्ट को कम कर दिया जाए, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको कम कर दिया जाए, जैसे जो रफ सर्फेस उसको हमने स्मूथ लगा दिया, स्मूथ सर्फेस कर दिया, जो फ्रिक्शन उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ऑल एक्सटर्नल फोर्स उनको भी हमने निगलेक्ट कर दिया, कैल उस पर ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, कुछ ऐसा लगा दे कि मैंने इसको चिकना कर दिया, कि एक बार फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद एक मूवी करता रहे, ये रुके ना कभी भी, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमेशा गति करता रहे और फिर ये कभी ना रुके। इतनी बात समझ आ रही है, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ना कि स्थिर अवस्था, बल्कि अगर कोई वस्तु एक समान गति के साथ गति कर रही है तो वो भी उसकी एक नेचुरल स्टेट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तब तक वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान गति के साथ गति तब तक करती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल उस पर नहीं लगाया जाए। कहने का तात्पर्य है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इट विल मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल अ फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। ओके, जैसे हमने माना कि यूं होता तो ऐसा होता, कैसा होता कि सपोज सारे फैक्टर्स हमने जीरो मान लिए, सब कुछ हमने हटा दिया, कुछ भी नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रही। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स को आप कभी निगलेक्ट कर नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ तो लगता ही रहेगा, कि आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप डेफिनेटली, बट हमने मान लिया, मान लिया क्या रहता, अभी कुछ भी मान लो कि आपका आरआरबी सिलेक्शन हो गया,
मान लो आप यूपी परीक्षा में सिलेक्ट हो गए, मानने क्या, और डेफिनेटली हम होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे। तो यूं होता तो ऐसा होता, तो हमने मान लिया। तो मानने पर हमने देखा कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रत्येक वस्तु या तो स्थिर है या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गति करती रहेगी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? नहीं आई है तो प्लीज हम लोग इसको अभी आगे और फॉरवर्ड करते हैं। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। तो लिख लिया आप लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने जाना कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और वही वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, तो दोनों आपकी नेचुरल स्टेट है बॉडी की। इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इतनी बात समझ में आई आपकी? तो यही आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। यही फर्स्ट लॉ बताता है आपको कि नॉट रेस्ट बट ऑल्सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। की रेस्ट के साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपकी नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इसी को कहा गया है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई आपको? ये क्या हुआ आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि रेस्ट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन अभी तक एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने रॉन्ग क्लू चल रहा था हमारे दिमाग में, वो अभी तक क्लियर नहीं होगा। क्या क्लू लेके आ रहे थे हम लोग कि जहां पे धुआं है वहां आग है, और जहां फोर्स है तो वहां वेलोसिटी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के कारण फोर्स नहीं आया आपका, कि कुछ और है, कुछ और ही वजह है जिसकी वजह से आपका फोर्स इंड्यूस हो रहा है, फोर्स आ रहा है आपका। तो वो क्या वजह है, वो वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जहां पे धुआं है वहां आग, जहां पे धुआं है वहां आग है। तो ऐसा क्या है, सोचने पे मजबूर करता है हमें कि ऐसा क्या है वहां पे फोर्स है। ठीक है, ये चीज आपको आंसर की गई है सेकेंड लॉ में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जितना मायने रखता है उससे कहीं ज्यादा सेकेंड लॉ मायने रखता है कि आखिर कहीं आग है, अगर कहीं धुआं है तो वहां आग है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जहां फोर्स है। तो वो आंसर किसने किया है? सेकेंड लॉ है। तो आइए देखते हैं क्या है सेकेंड लॉ में। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो कोई बच्चा भी आ, उस बच्चे ने क्या किया, उस पे और धक्का लगा दिया, और धक्का लगाओगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सपोज उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, ठीक है। कोई बच्चा क्या, उसने कहा नहीं नहीं मैं उधर से धक्का लगाऊंगा, तो उस बच्चे उधर से धक्का लगाया, क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सपोज उसने उतने ही फोर्स से धक्का लगाया, क्या उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो एक चीज आपको दिमाग में आ रही है कि फोर्स, ये फोर्स ही वह फैक्टर है जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, फोर्स ही वह फैक्टर जो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से था, 12 मीटर पर सेकंड से हुआ, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से हुआ, 8 मीटर पर सेकंड से हुआ। तो किसके कारण, आखिर वो कौन सा रूट है, आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो क्या है वो कारण दोस्तों? फोर्स। क्या कारण है बच्चों? फोर्स। ये फोर्स ही है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जहां धुआं है वहां आग है, तो जहां चेंज इन वेलोसिटी है वहां पे फोर्स है, ना कि वेलोसिटी की वजह से फोर्स है। चेंज इन वेलोसिटी है वहां पे फोर्स है, क्योंकि वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो ए नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पे स्मोक है यानी कि यहां पे धुआं है, वहां पे आग है, और यहां पे चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी है जहां पे उसकी गति में बदलाव हो रहा है, जहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वहां पे क्या है आपका, फोर्स है। इतनी बात समझ में आई है? और एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखना दिमाग में कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा। जब भी आप, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो याद रखना हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा आपका। इतनी बात समझ में आई है आपको?
अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए, हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं। तब तक आप लोग लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। नाउ हम लोग देख रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख रहे हैं कि जहां पे धुआं है वहां आग है, लेकिन जहां पे फोर्स है वहां वेलोसिटी नहीं, वहां क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी कॉजेस फोर्स। जहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वहीं पे आपका फोर्स आ रहा है। तो हमें पता है कि तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड एक चीज और दिमाग में रखिए, सेकंड लॉ इज ए क्वांटिटेटिव लॉ। सेकंड लॉ क्या आपका क्वांटिटेटिव लॉ है। क्यों क्वांटिटेटिव लॉ है, क्योंकि ये आपका लॉ बताता है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर हमें कितनी अगर हम वेलोसिटी चेंज करना है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है या कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है कि इसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इजीली हम उसकी अमाउंट बता सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं फोर्स का एंड एक्सीलरेशन का। ओके दोस्तों, और अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने बताया था आपको एक्सीलरेशन एंड डायरेक्ट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एंड अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन एक ही होती है। तो इस चीज का याद रखना, हमेशा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा काम आएगी चीज कि एक्सीलरेशन और अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन सेम होती है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि फोर्स अप्लाइड, नेट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो इस कांस्टेंट को हटाने के बाद क्या है आपका, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आपका मास आया। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, नेट फोर्स अपॉन मास। इतनी बात समझ में आई आपको, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि न्यूटन के नाम पर फोर्स की यूनिट क्या रखी गई आपकी, न्यूटन, ठीक है। और कह सकते हो एम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एम की यूनिट हो गई, वो क्या होगी आपकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो सब जगह यूज होती है। एक चीज और देखिए, आपने ध्यान से देखना कि जो फर्स्ट लॉ है कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ के अंदर समाहित है। फर्स्ट लॉ क्या आपका सेकेंड लॉ के अंदर समाहित है। कैसे, फर्स्ट लॉ इज कॉइंसाइड्स विद सेकेंड लॉ। कैसे, हमें पता है F equal to ma होता है एंड a क्या है अंदर, एक्सीलरेशन, जिसे कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर उसमें हमने कुछ फोर्स लगाया तो then what will happen, there will be change in velocity। तब suppose it is traveling with velocity v and then its velocity is u, तो velocity change क्या है, v minus u। तो acceleration क्या होता है, change in velocity upon time। तो change in velocity क्या हुआ, v minus u upon time t। ओके, अगर यही change in velocity बराबर हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी बराबर हो जाए, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। दोस्त अगर फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसको कोई फोर्स ही नहीं है, बॉडी विल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि रेस्ट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये यहां आपका सेकेंड लॉ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल भी, जैसे कुछ लोग बोलते जल्दी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरा लिखने का, आपको पूरा मौका दे रहा हूं समझने का, और एक ही वीडियो में तीन लॉ को हम खत्म कर रहे हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी सारा सिलेबस खत्म हो चुके, आपको रिवीजन का टाइम मिल सके, आपको प्रैक्टिस सेटअप लगवा सके, ठीक है दोस्तों। और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ही छोटी वीडियो करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंटेंट जितना है वो एक वीडियो के बराबर है। ना तो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं आपसे, ना ही आपसे हम गप्पे मार रहे हैं, सिर्फ आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा शायद ही आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहीं पढ़ा होगा या लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानकारी ली होगी। तो आज से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड लॉ की बात करते हैं हम लोग, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इससे पहले कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, जैसे गांधी जी की बात आपको याद है, गांधी जी क्या कहते हैं आपसे कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा लाल कर दो। यानी कि अगर आपको एक गाल मार रहा है तो दूसरा गाल आगे कर दो, यानी कि थप्पड़ डालो। लेकिन न्यूटन साहब ऐसा नहीं कहते हैं, न्यूटन साहब की थोड़ी फिलॉसफी चेंज है। न्यूटन साहब कहते हैं अगर जिस मैग्नीट्यूड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो आपको थप्पड़ मार रहा है, उतनी मैग्नीट्यूड के साथ, उतनी वेलोसिटी के साथ आप उसको थप्पड़ मारिए।
अगर ये चीज आपको याद हो गई ना, तो अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद हो गया दोस्तों, समझने वाली चीज है कि अगर आप किसी भी बॉडी को मारते हो, सपोज मारा आपने, तो बॉडी उतनी ही स्पीड, उतनी ही वेलोसिटी, उतनी ही फोर्स के साथ आपको स्ट्राइक करती है। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? ये नेचर की मार है ना, ऊपर से आप ऐसा मार रहे हो, उल्टा आपको करने को मिल रहा है। या कह सकते लॉ ऑफ कर्म से एप्लीकेबल होता है कि आप जो कर्म करोगे आपको वैसे ही कर्म करने को मिलेंगे। तो वैसा ही न्यूटन के थर्ड लॉ में भी है कि जिस मैग्नीट्यूड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ आप किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करोगे, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ वो फोर्स आप पे वापस अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई बॉडी बन रही, बॉडी वन एंड बॉडी टू, बॉडी वन क्या कर रही है, बॉडी टू पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, फोर्स लगा रही है, उसको स्ट्राइक कर रही है, एक हथौड़े से हम लोग किसी दीवार पे मार रहे हैं, तो क्या होगा, दीवार भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ, उतनी ही फोर्स के साथ वापस स्ट्राइक करेगा, वापस स्ट्राइक करेगा, यानी कि पी फोर के साथ वो भी स्ट्राइक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक थप्पड़ मारा गांधी जी से, गांधी जी ने कहा एक थप्पड़ मारा, दूसरे थप्पड़ का वेट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो ही वो एक थप्पड़ मारेगा दूसरा थप्पड़ तुरंत मारोगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ही एक्शन होगा तुरंत उसके पलट रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग घटनाएं हैं, एक ही घटना है दोनों एक ही साथ हो रही है, कि जहां पे एक्शन होगा वहीं पे रिएक्शन होगा, यानी कि वन ऑफ देम इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। एक क्या है आपकी एक्शन और दूसरी क्या है रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि every equal and opposite force has equal action and reaction. If a force is acting on a body, then same amount of force is applied to the body. Okay? इतनी बात समझ में आई? ये होगा action और फिर क्या होगा आपका reaction. That means एक चीज और समझना, कोई action और reaction एक ही body पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे गांधी जी की तरह हम एक ही गाल पे दो थप्पड़ नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे दो बॉडी, अगर एक थप्पड़ खा दूसरा थप्पड़ हम लोग मार रहे हैं, एक बगैर एक्शन हो रहा है दूसरे क्या हो रहा है आपका रिएक्शन हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन हो तो एक ही समय रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, तो अलग अलग वस्तुएं जिम्मेदार है, तो अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग बॉडी पे आपकी एक्शन और रिएक्शन लग रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को देखने मिलेगा कॉन्टेक्ट फोर्स की। सपोज मैं इस अर्थ पे स्टैंड कर रहा हूं, तो नो डाउट अर्थ की मुझ में एक, मैं अपने भारत की वजह से इस धरती पे इस फोर्स लगा रहा हूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। कह रहा हूं कि धरती हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच रही है, जो वेट होता है तो ठीक उतने ही अमाउंट का फोर्स धरती भी हमारे ऊपर लगाती है। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई दो वस्तुओं के बीच कॉन्टेक्ट है, तो सपोज बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि वहां पे आपको न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है आपका, कि अगर कोई बॉडी है उस पर अगर वेट लगा है डब्लू, ठीक, अगर उस वेट है डब्लू को अर्थ पे लगा रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो अर्थ भी उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ उस पर एक रिएक्शन लगा रही है, यानी कि आर इक्वल टू डब्लू। बात समझ में आई? तो हम लोग जब भी कोई सवाल करेंगे तो अगर कहीं भी कॉन्टेक्ट हुआ तो आप लोग क्या समझेंगे, वहां पे क्या लगेगा न्यूटन का थर्ड लॉ। जहां भी वेलोसिटी में चेंज हुआ वहां क्या लगेगा न्यूटन का सेकंड लॉ, और जहां भी कोई चीज रेस्ट पे है वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वहां क्या होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो प्रैक्टिकल चीजों को सोचिए कि जहां जहां भी चीजें ऐसी होंगी तुरंत हम न्यूटन के तीनों लॉ को अप्लाई करेंगे। ओके, होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसा लगा है, और इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कल, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और जैसा भी आपका सजेशन होगा हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो भी अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिए और बताइए हमें कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। ओके, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आरआरबी जेई और यूपी जेई की क्लास स्पीडअप पे चल रही है। ओके दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।